मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पितृपक्ष के त्यौहार के मौके पे अपने घर पे पंडित जी को बुलाए हुए हैं। तो कल हम मार्केट गए थे, आज भोजन कराना है पंडित जी लोग को, तो उसके लिए हम सारा जितना भी सामान है खरीद करके लाए और मिठाई लाना भूल गए। हमको याद नहीं रहा मार्केट में, तो फिर हमारे ही गांव के जो सोनू भैया हैं बनकटा में दरबार मिष्ठान के नाम से सुभाष चौराहा में उनका दुकान है कोइलसवा वाले रोड पे, तो वो कुछ मटेरियल घर पे भी रखते हैं। तो चल रहे हैं अब हम उनसे रसगुल्ला लेने या कोई भी जो अच्छी मिठाई होगी हम उनसे लेकर के अपने घर आएंगे। आराम से देख के चलिए लो। गांव में सड़कों पे बहुत ही अधिक मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे बार बार घरों का जो है नवनिर्माण होता रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पे मिट्टी जम जाती है और बरसात के समय में हल्का दिक्कत होती है आने जाने वाले सबको। दोस्तों हम जो सोनू भैया हैं दरबार स्वीट हाउस वाले, उनके घर के पास अब हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं उनसे क्या बात होती है मिठाई को लेकर के। ये दरबार स्वीट हाउस सोनू भैया के द्वार पे अब हम हैं। सोनू भैया तनी समय दो, 5 मिनट है ना। अब हम दरबार स्वीट देखिए, गांव में अगर जो आपके लोग जो भी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टरी हुआ तो हल्का फुल्का बुखार होता है तो लोग मार्केट में नहीं जाना पड़ता है, गांव से ही दवा मिल जाती है। हमारे भैया जी 10 से 15 वर्षों का एक्सपीरियंस लिए हैं दिल्ली के होटलों में काम करके, नॉलेज लेकर के जो भी मिष्ठान हर एक भोजन के हर एक आइटम और मिठाई के हर एक आइटम के विषय में, और बनकटा में दुकान किए हुए हैं। तो अब हमको मिठाई कभी इमरजेंसी में लेनी पड़ती है तो 50 रुपये 100 रुपये का तेल खर्च करके बनकटा नहीं जाना पड़ता है, हम लोग इनके द्वार पे आते हैं और ये हम लोग को दे देते हैं। ये भी इनकी महानता है कि यहाँ पे भी हम लोग को सुविधा उपलब्ध है गांव के होने की वजह से। दोस्तों देखिए, कल जो हम भूल गए मिठाई लाना, फिर आज हमको जाना पड़ता मार्केट, तो 1 घंटे का समय लगता, 50 रुपये का गाड़ी में तेल लगता। सोनू भैया हमारे गांव के हैं दरबार स्वीट हाउस वाले, हम लोगों के लिए घर पे भी सुविधा उपलब्ध किए हुए हैं। इसके लिए दरबार स्वीट हाउस के जितने भी मेंबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समय और पैसा बचाने के लिए, धन्यवाद। और सोनू भैया से हम लाल मोहन लेकर के अब हम चल रहे हैं अपने घर के तरफ। दोस्तों अब दरबार स्वीट हाउस से हम मिठाई लेकर के अपने घर के तरफ चल रहे हैं और देखिए कितना हमको फायदा हुआ। केवल गांव का होने के वजह से हमारा पैसा और समय दोनों बच गया। कल जो गलती किए थे उसके वजह से अगर ये हमारे गांव के नहीं होते तो फिर से हमको मार्केट जाना पड़ता, पैसा और समय दोनों दोबारा लगता। दोस्तों अब हमको बहुत ही संभल के चलना होगा, क्योंकि जो सड़क है आप लोग वीडियोज में देख रहे हो, थोड़ा भी अगर पैर आगे पीछे पड़ेगा तो हम फिसल के गिर सकते हैं। अब हम अपने घर के पास वाले सड़क पे हैं, ये भी खड़ंजा किया गया है, पक्की सड़क नहीं है, पक्की सड़क RCC हमारे घर से 200 मीटर पहले ही बंद हो गई है और अपने घर की तरफ हम चल रहे हैं। ये हमारे पीछे आप लोग गड्ढा और गड्ढे में पानी देख सकते हैं, इस वजह से हमको बहुत ही संभल करके चलना पड़ रहा है। रात को ही बारिश हुई है, हम जगे हुए थे रात को 3 बजे आप सभी को दोस्तों को वीडियो अपलोड करने के लिए,
तभी बारिश शुरू हो गया। दोस्तों अब हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। वीडियो लाइक, मोटिवेशनल कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।